सम्माननीय वाइस चांसलर महोदय, डायरेक्टर महोदय, समस्त आचार्यगण, देवियों और देवताओं, कबीर और कबीर की देन, इस पर थोड़ी चर्चा। कबीर का नाम बताना नहीं है, कबीर जैसे नाम से बड़े हैं वैसे काम से बड़े हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है, वे मुस्लिम परिवार में पाले गए इसलिए अरबी शब्द से उनका नाम लिया गया। कबीर का अर्थ होता है महान। ये भी एक आश्चर्य है, एक गरीब जुलाहे के झोपड़े में पाले गए और महान नाम कैसे हुआ। कबीर का अर्थ ही होता है ईश्वर या महान। कबीर कहाँ पैदा हुए? कुछ लोग कहते हैं नीरू नीमा से पैदा हुए होंगे, हिंदू लोग नहीं पसंद किए इसलिए उठा करके लाने की बात कहे। अगर नीरू नीमा से पैदा हुए हो कोई हर्ज नहीं है, मनुष्य ही पैदा होना चाहिए मनुष्य को, तो उसमें क्या फर्क होता है। वेद व्यास धीवरी से पैदा हुए थे, लेकिन वेद व्यास कितने ऊंचे हैं। वशिष्ठ गणिका से पैदा हुए थे, उतास मैत्र अवरुण वशिष्ठ और वस्या, ये ऋग्वेद का मंत्र है। उर्वशी अप्सरा और मित्र वरुण से पैदा हुए थे। देवलोक स्थित्रियम सुराणाम शाश्वती मता पतिर अप्सर साम नास्त ना चेक स्त्री परिग्रह, ये वाल्मीकि रामायण में आया है। देवलोक की रीति है कि वहां अप्सराओं का कोई पति नहीं होता है और देवता लोग कोई शादी नहीं करते हैं, इस प्रकार छुट्टा वातावरण वहां का रहता है। उर्वशी मित्र यहां भी वरुण यहां भी एक ही समय निमंत्रित थी, उन्हीं दिनों उसी बीच में गर्भ रहा। वह क्या बतावे, मित्र से है गर्भ की वर्ण से है। तो उदास मैत्रा वर्णों वशिष्ठ और वस्या, इसने लिख दिया कि उर्वशी और मित्र या वर्ण से वशिष्ठ जी पैदा हुए। ये हमारे पूर्वजों का खुला विचार। वेदों को आप पढ़िए, काव्य तो सुंदर है ही, संस्कृत जानना चाहिए और छंद उसमें छांदिक गुण इतने हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। और जो कुछ कहते हैं वो खुल करके कहते हैं, छिपाव कहीं है ही नहीं। एक निवेदन और, वेदों के समस्त देवता नैतिकता से पूर्ण है, नैतिकता में कहीं कमी नहीं है, क्योंकि ऋषि भी नैतिकता से पूर्ण है। पुराणों के देवता सब खराब कर डाले गए, कदाचित इनके सब लेखक शिथिल रहे होंगे। तो वेद के ऋषि बड़े निश्चल हैं, वशिष्ठ और व्यास, इनकी कम कीमत नहीं हो सकती। सीता जी पृथ्वी फोड़ के निकली थी, पृथ्वी में समा गई थी। कबीर कमल फूल पर प्रकट हुए और फूल में समा गए, ये दोनों बातों को ढाकने के लिए है मेरे विचार से। विज्ञान सम्मत ये बात नहीं है कि कोई पृथ्वी फोड़ के निकले और पृथ्वी में समाए और फूल से प्रकट हो फूल में समाए। जनक जी खेत में हल चला रहे थे, यज्ञ भूमि शोधना था। यज्ञ भूमि शोधने के लिए राजा स्वयं हल चलाता है, सोने का हल, थोड़ा चला देता है। जैसे आजकल कहीं सरोवर खोदना हो तो बड़ा मंत्री आता है, कुदारी से 5 कुदारी मार देता है, उसकी फोटो छप जाती है, और जो रात दिन खोदते उनकी फोटो नहीं छपती। तो जनक जी हल चला रहे थे, मुहूर्त प्रातः का था, कुछ अंधेरा था। हराई के पास हल जब चलता है तो उसमें जो नाली बनती है मिट्टी में, उसको हराई कहते हैं। वैदिक भाषा में उसको सीता कहते हैं। उस हराई के पास एक कलश में एक शिशु मिला, झट से जनक हल छोड़ दिए, शिशु को उठा लिए। वाल्मीकि रामायण में 3 जगह इसका वर्णन है। पाले पोसे, अब ये बात पंडितों को जमी नहीं, तो कहा पृथ्वी फोड़ के निकले और नैमिषारण्य क्षेत्र में अंत में पृथ्वी में समा गई। कबीर साहब लारतारा तालाब पर मिले शिशु रूप में, नीरू नीमा ने पाला। मगहर में उनकी लाश फूल हो गई, फूल पर प्रकट हुए, फूल शरीर फूल हो गया। ये
कबीर प्रेमियों ने कहा। कबीर प्रेमी कुछ मुझसे थोड़ा थोड़ा नाराज रहते हैं अंदर अंदर, ऊपर से तो प्रेम रखते हैं। मैंने इसको खूब लिखा, कई जगह लिखा, जहां होता तहां लिखता हूं और कहता हूं। कबीर पंथ में पहली बार मैंने लिखा और कहा, मेरी सरणी के जो संत हैं पुराने पारखी संत, वे निर्णय को मानते हैं, कहीं भी विज्ञान से विपरीत बात नहीं मानते हैं पारख सिद्धांत। लेकिन पारखी संत भी इस पर चुप रहते थे क्योंकि विवाद में कौन पड़े। इसलिए आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि कबीर पंथ में जो पारखी शाखा है बड़ी चिंतनशील है, लेकिन कबीर के जन्म के विषय में ये भी मौन है। तब जब मैंने प्रथम बार बीजक की व्याख्या की भूमिका में लिखा और वो पढ़े और संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में कबीर विचार गोष्ठी में मुलाकात हुई, वो अध्यक्ष थे अजय प्रसाद द्विवेदी इत्यादि प्रवक्ता थे, मैं भी प्रवक्ता था, ये 69 की बात है। तो प्रवचन समाप्त होने पर मेरे पास आ करके विनम्रतापूर्वक कहने लगे, आपने जैसा लिखा किसी ने नहीं लिखा। खूब गदगद थे। उनके छोटे भाई तो कहते थे नर्मदेश्वर चतुर्वेदी कि आपने जब पुष्कर सामग्री दी तो भैया आप जर्जर हो गए हैं, वो इस पर लिखना चाहते थे। कोई मनुष्य माँ बाप से पैदा होता आकाश से नहीं होता है। कबीर कहाँ पैदा हुई इसका कुछ मूल्य नहीं। किसी मनुष्य के मूल्यांकन के मानदंड उनके माँ बाप और जाति नहीं है, किंतु उनका ज्ञान और आचरण है। इसीलिए सीता महान है, चाहे वो कहाँ कहीं भी पैदा हुई हो, कबीर महान है। राम भी क्षीर भोजन से पैदा किए गए। मिथिला में जब राम का विवाह हुआ चारों भाइयों का, तो एक दिन बैठाए गए घर में, अभी भी उत्तर प्रदेश में रस्म है, विवाह के दूसरे दिन दूल्हा को घर में बैठाया जाता है, वहाँ बूढ़ियाँ नहीं रहती हैं, युवतियाँ रहती हैं, आपस में हंसी विनोद होता है। तो स्त्रियों ने कहा, अति उदार कर तूतीदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुत करती पति कर कछ नहीं कामा। विनोद शुरू हुआ। अयोध्या की स्त्रियां बड़ी उदार और करतूतदार चमत्कारी है, वे खीर खा लेती गर्भवती हो जाती, पद की जरूरत ही नहीं पड़ती। अत उदार करतूतदार सब अवधपुरी की बामा, खीर खाए पैदा सुध करती पतकर कछ नहीं कामा। तब सखी बचन सुन के रघुनंदन, बोले मृद मुस्काते, आपन चाल छिपावो प्यारी कहो आन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिन, बांधी वेद की नीति, तुम्हारे तो सब महिते उपजे असमरे नहीं रीति। मैं सुना हूं कि ये मिथिला में सब पृथ्वी फोड़ फोड़ के पैदा होते हैं, मेरे अयोध्या में ऐसी रीत नहीं, ये सीता पर कटाक्ष है। ये हिंदू समाज ऐसा है, जिसको भगवान मानता है उसको भी क्षमा नहीं करता, निर्णय करता है। इस्लाम में नहीं, ईश्वर को तो आप कुछ थोड़ा कट कह दे कोई हर्ज नहीं, अल्लाह को कह दीजिए थोड़ा मोड़ा कोई हर्ज नहीं, लेकिन मोहम्मद साहब को जरा भी नहीं कह सकते। कारण भी है कि उनके यहाँ पैगंबर से ही धर्म शुरू हुआ है, हमारे यहाँ अवतार से धर्म नहीं शुरू हुआ है। चारों वेदों में अवतार की गंध भी नहीं। जो वेद क्या कहते हैं, जो मैंने लिखा पिछले 3 वर्षों के वर्षावास में, जब इलाहाबाद रहता था तो लिखा और छपा, अभी 3 महीना पूर्व वेद क्या कहते हैं छपा है, और दूसरा संस्करण फिर छप रहा है। कल फोन आया था कि वो छप रहा है, 3 महीने में उसका संस्करण खत्म हुआ। विद्वानों ने आवाम जनता ने भी बहुत पसंद किया और उसको हम खुले हाथ दे भी नहीं पाए। तो वेदों पर लिखने के लिए जब चारों वेदों को अच्छी तरह से मैंने मंथन किया, कहीं भी अवतारवाद की गंध नहीं मिली। जानता तो पहले से भी था, लेकिन फिर मनन पूर्वक देखा, भारतीय परंपरा के उपासना के केंद्र में आत्मा है, व्यक्ति नहीं, ये ध्यान दीजिए। भारतीय परंपरा का प्राचीनतम साहित्य अध्यात्म का उपनिषद है। उपनिषद का चिंतन जितना गहन गंभीर है अध्यात्म के विषय में, पूरी दुनिया में उस काल में कहीं कुछ ऐसा नहीं। और आत्मा, आत्मा लोक मुपासी, लोग आत्मा की उपासना करते हैं, आत्मा उपासना के केंद्र में है। सामी परंपरा में व्यक्ति उपासना के केंद्र में है। सामी नूह नाम के महापुरुष हुए, जिनके 3 पुत्र थे, साम हेम एपेत।
साम बड़े थे, साम के वंशज यहूदी, उन्हीं में ईसाई, फिर इस्लाम निकला। इनमें व्यक्ति केंद्रित उपासना है। संत ईसा को कोई ईश्वर पुत्र न माने तो ईसाई नहीं, उसका स्वर्ग भी नहीं होगा। हजरत मोहम्मद को ईश्वर का पैगंबर न माने तो मुसलमान नहीं, उसका स्वर्ग नहीं होगा। लेकिन भारतीय परंपरा में कपिल क्रांत, जयबीन बादरायण, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अंगिरा, उद्दालक, प्रवाहण, जयबल, श्वेत केतु, बहुत से ऋषि हैं, सब पूज्य हैं, लेकिन हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। अमुक को न मानो तो नरक नहीं होता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। ये तो पैगंबरवाद, अवतारवाद, अवतारवाद भारतीय परंपरा में पीछे से पनपा है। उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद आया है। बौद्धों, जैनों ने महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को उत्तारवाद के सिद्धांत में रखा। उत्तार का मतलब ऊपर उठना। साधारण जीव विकारों को छोड़ करके ऊपर उठ गया, निर्मल हो गया, इसलिए उत्तारवाद रखा। और पीछे मूर्तियां भी बनी, प्रचार हुआ। तब तक पंडितों में यज्ञ याग बहुत था, हवन तर्पण, उसमें सामान्य जनता के लिए कोई बात नहीं थी, आत्मज्ञान की चर्चा भी कम थी, इसलिए आम जनता बौद्धों, जैनों की तरफ जाने लगी। उधर से लौटाने के लिए पंडितों ने अवतारवाद की कल्पना की। वैसे मत्स्य कच्छप इत्यादि के अवतार मान लिए गए थे जो पूज्य नहीं थे, बहुत साधारण थे। राम और कृष्ण माने गए, कृष्ण पहले माने गए, राम पीछे माने गए। कृष्ण के विषय में अवतार की कल्पना ईसा के 400-500 वर्ष के पूर्व से है। राम को पूर्ण अवतार ईसा के 1000 वर्ष बाद माना गया है। फिर इस प्रकार उत्तारवाद की प्रतिक्रिया में अवतारवाद आया। मूल वेद या वैदिक साहित्य में कहीं भी अवतारवाद नहीं है और व्यक्ति केंद्रित उपासना नहीं, ये प्रसंग प्रसाद मैंने कहा। अब आगे कबीर कहाँ पैदा हुए इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, या कोई महापुरुष। महापुरुषों के या किसी व्यक्ति के मूल्यांकन के मानदंड उनके चरित्र हैं और ज्ञान है। कबीर गृहस्थ थे कि विरक्त, विश्वविद्यालय के विद्वानों ने उनको गृहस्थ लिख लिख करके बहुत प्रचार कर डाला है। पहले तो विद्वान लोग यही नहीं मानते थे कबीर कवि हैं, इसलिए उनको अलग रखा गया। जब मिस्र बंधुओं ने नौ रत्न लिखा, 7 या 8 लिखे थे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे, उनसे मैंने कहा कि कबीर को आपने रत्न नहीं समझा। कहे कबीर तो रत्न है लेकिन कोई बात समझ में नहीं आती है। सुरत निरत के विषय में मैं कुछ नहीं समझ पाता हूँ, तो राम कुमार वर्मा मुझसे कहते थे कि 2 घंटा मैंने सुरत निरत पर उनके सामने बोला, विचार बदला तो उन्होंने 9 रत्नों में 1 रखा। कबीर की वाणी पढ़ाई नहीं जाती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 100 पॉइंट्स ऑफ कबीर लिखा, कबीर के 100 पदों का इंग्लिश अनुवाद, और नोबेल पुरस्कार जिससे मिला था वह गीतांजल कबीर के विचारों पर आधृत है, ये जगत के विद्वान लोग जानते हैं। कलकत्ता तो एक, कलकत्ता का तो नेशनल लाइब्रेरी जो कलकत्ता का है उसका संस्कृत विभाग अध्यक्ष मुझसे कहता था कि एक बंगाली विद्वान मुझसे कह रहा था कि इंग्लैंड में तो उसका छपना बंद हो गया है, अतिशयोक्ति कर रहा था, क्योंकि एक विद्वान ने गीतांजल के हर पद का कबीर के पदों से तुलनात्मक करके सिद्ध कर दिया है कि ये सब कबीर का है, तो छपना बंद हो गया है। लेकिन ये गलत है, छपना बंद नहीं होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कबीर को पचा करके अपने ढंग से लिखा है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का अपना बहुत बड़ा महत्व है। तो उन्होंने कहा, फिर की वेस्कट, अहमद शाह इत्यादि ने कबीर पर काम किया, तब हिंदी वालों की थोड़ी आंख खुली, तो बीजक के अतिरिक्त वाणियों का संकलन करके उन्होंने संपादित किया। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने पहला काम किया ग्रंथावली का, लेकिन बीजक पर काम ये लोग नहीं कर सके। अब थोड़ा थोड़ा सोच रहे हैं, कबीर को अच्छी तरह समझना है ठीक से तो बीजक पढ़ना चाहिए।
बीजक में दर्शन धर्म सब कुछ जितना व्यवस्थित है। कबीर को विश्वविद्यालय के विद्वानों ने भगत बना करके केवल रखा है, क्योंकि उनकी आग शायद उनको भी पच नहीं रही थी। लोग कहते, विद्वान लोग कहते हैं, आप लोग विद्वान हैं, डॉक्टर भी सब खूब होंगे, ये डॉक्टर विद्वान कहते हैं कि महात्मा लोग पंथाई होते हैं, पंथ की बात करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर और विद्वान लोग भी कम पंथाई नहीं होते हैं। सब कहीं कहीं चिपके हैं, चिपकाहट छोड़े बिना सत्य कहा नहीं जा सकता है। तो कबीर की आग को पचा नहीं सके, बीजक पर एक काम नहीं कर सके। बीजक की अनेक टीकाएं विविध भाषाओं में हुई हैं, मैंने लिखी, दो खंडों में उसकी व्याख्या है, और 11वां संस्करण पहले खंड का, 10वां संस्करण दूसरे खंड का इस समय चल रहा है। विद्वानों ने और समस्त संप्रदायों के लोगों ने स्वीकारा है। कबीर के बीजक को आप पढ़िए, कबीर पंथ शब्द नहीं है, कबीर पंथ की कोई नियमावली नहीं है, प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। कबीर को समझने के लिए उदार होने की जरूरत है। नई और पुरानी पीढ़ी में आजकल बहुत टूटन है, भोगा पंथीपन की निंदा करते हैं नई पीढ़ी वाले, पुरानी पीढ़ी वाले कहते हैं जो कुछ लिखा है सब सच है, इसलिए नई पीढ़ी वाले कहते हैं तो फिर शास्त्रों को पानी में डाल देना है, क्योंकि सब सच है, गलत भी सच है। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा हुए, ये भी सच है। हनुमान जी सूरज निकल गए, ये भी सच है। तो फिर मैं शास्त्रों को नहीं मानता। इसी से चिढ़ करके तो हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट तुलसीदास दिल्ली वालों ने छापा, मुकदमा भी चला, लेकिन अंत में विजयी हुई है, क्योंकि लेखक लोग जो लिखे थे वो शास्त्र सम्मत था, रामायण सम्मत था, परंतु गोस्वामी जी का परिचय इन शब्दों से करना कितना अनर्थ है। गोस्वामी जी की बातें बहुत सी आलोच हो सकती हैं, लेकिन गोस्वामी जी की वाणी में हीरे मोती कम नहीं है, और महाकवि है, उनका आदर होना चाहिए। लेकिन आजकल नई पीढ़ी एकदम उच्छिन्न करने पर लगी है, और पुरानी पीढ़ी टस से मस नहीं हो रही है। ये दोष पुरानी पीढ़ी का है, उसे चाहिए नई पीढ़ी को बुलाएं और कहें कि निरछीर विवेक करो, तब नई और पुरानी पीढ़ी का संगम होगा। कबीर की वाणी अगर मनन किया जाए तो नई और पुरानी पीढ़ी का संगम होगा। कबीर महातार्किक है, धर्म के क्षेत्र में इतना तर्कशील आज तक नहीं पैदा हुआ, आंशिक तर्क है महापुरुषों की वाणी में, लेकिन इतना आमूलचूल तर्क कहीं नहीं पैदा हुआ। साथ साथ वो महासंत है। कबीरपंथी तो कबीर को सदगुरु कहते हैं, गैर कबीरपंथी उनको संत शिरोमणि कहते हैं, और जैनों बौद्धों के मंदिरों में सनातन धर्मियों के गीत नहीं गाए जाते, और सनातन धर्मियों के मंदिरों में जैनों बौद्धों के गीत नहीं गाए जाते, कबीर के गीत सब जगह गाए जाते हैं, जैनों बौद्धों में भी, सनातन धर्मियों में भी, पाकिस्तान में भी। पाकिस्तान से भी समय समय से फोन आता है मेरे पास, तो फोन आया और कहा मेरे लिए कि ओ, मेरा कैसे तो हंस सुने लोग, तो कहे भाई इनको बुलाए तो सूफी लगते हैं और उदार विचार के हैं, तो हमारे यहाँ बहुत फिरका परस्ती है पाकिस्तान में। तो मैंने कहा भैया फिरका परस्ती भारत में भी है, वो राजनेता लोग करते हैं, आम जनता नहीं करती। तो राजनेता लोग न तो पाकिस्तान में सुनना चाहेंगे न भारत में सुनना चाहेंगे, आम जनता हर जगह सुनेगी। तो कबीर का विचार ऐसा है, उसका जितना मनन चिंतन किया जाए, कबीर एक के नहीं है, वो किसी के नहीं है, इसलिए वे सबके हैं। उनकी वाणी में कोई रूढ़ ईश्वर नहीं है, नियम ही ईश्वर है। उनकी वाणी में कोई अवतार और पैगंबर नहीं, उनकी वाणी में जात का कोई मतलब नहीं है, वर्ण का कोई मतलब नहीं है, अलौकिकता का कोई मतलब नहीं, चमत्कार का कोई मतलब नहीं। धार्मिक लोग चमत्कार के बिना जी नहीं सकते हैं। महात्मा 1000 वर्ष के, अभी अभी 200-400 वर्ष के लोग अपने को सिद्ध करते हैं, आकाशगामी है, आकाश में उड़ते हैं। एक महात्मा जापान से आए, आकाशगामी थे, इलाहाबाद में, इलाहाबाद का एक वकील अभी नवयुवक है और मुझसे जुड़ा हुआ है, कहा महाराज आकाश में उड़ के दिखाइए।
कहे 40 दिन साधना करनी पड़ती है। कहे आपके साथ रहूंगा, आप कीजिए साधना। तो कहे 30 वर्ष के पहले उड़ा था, अभी संभव नहीं। ये सब बदमाशी, धर्म के क्षेत्र में इतनी बदमाशी है। राजनेता, वकील और व्यापारी अपनी झुठाई के लिए बदनाम है, लेकिन धार्मिक अपनी झुठाई के लिए प्रशंसित है। अगर आप लोग कहें कि एक स्त्री को 5 बच्चे एक साथ पैदा हुए तो आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, और मैं कहूं राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे पैदा होते भए तो आप कहेंगे वृंदावन बिहारी की जय, जबकि वृंदावन बिहारी ये नहीं मानेंगे। वृंदावन बिहारी बहुत तार्किक थे। श्री कृष्ण की चर्चा ऋग्वेद के 8वें मंडल के 96वें सूक्त के 13 से 16 मंत्रों में। महाक्रांतिकारी, आदिवासियों की रक्षक, पशुओं की रक्षक, कर्मकांड करने वाले पशुवध करते थे, इसके विरोधी, इसीलिए इंद्र से उनका विरोध। कृष्ण महान क्रांतिकारी, अपने युग के कबीर हैं, लेकिन कृष्ण को रसिया बना डाला गया, और रसिया होना बिल्कुल गलत है। कभी कृष्ण ने कभी रास नहीं किए। एक अयोध्या के पंडित के आग्रह से ही मैंने लिखा था, और जब छपा तो वहां के पंडितों ने कहा ऐसा हम लोग कभी सोचे ही नहीं। कभी कृष्ण कौन, मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, मेरी एक पुस्तक है संसार के महापुरुष, उसमें कृष्ण भी है, तो अलग से छाप दिया है कृष्ण कौन। मैंने उसमें बताया है कि रास बिल्कुल संभव नहीं। वाल्मीकि महाभारत में कहीं रास की गंध भी नहीं। हरिवंश पुराण में पहली बार 20-22 मंत्रों में रास की कल्पना की गई, फिर श्रीमद् भागवत में 200 करीब पौने 200 मंत्रों में श्लोकों में, फिर ब्रह्मवृत्त पुराण में 100 करोड़ श्लोकों में, फिर गरग संहिता में 1,000 श्लोकों में, फिर हिंदी वालों ने कमाल दिखाते चले गए लोग। कृष्ण को छलिया, मक्खन चुराने वाला, एक जगह एक पंडित ने कहा, तो मैंने कहा आपके घर में गाय है? कहे हाँ है। कहे एक गाय कितना दूध होता है? 1 किलो होता है। आपका बच्चा मक्खन चुराने किसी घर में जाता है? क्यों जाएगा। मैंने कहा नंद बाबा के 10,000 गाय थे, तो कृष्ण को मक्खन चुराने की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने कान पकड़ा कि ठीक है आपकी बात, अब ऐसा नहीं मानूंगा। रस लेते देते, राम कथा कृष्ण कथा में रस लेते देते महाकवि अपनी स्थिति से बहुत दूर चले गए और हिंदू समाज को बहुत धूमिल कर डाले। ये महा अनर्थ है। तो नई और पुरानी पीढ़ी को अगर जोड़ना है तो उदार बनने की जरूरत है। जो कुछ लिखा सब सच नहीं है, जो चमकता सब सोना नहीं। वेद के ऋषि ने हमें आर्डर दिया है, सक्तमेव तितुनापुरंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या निजानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहितादि वाचि। चलनी से सत्तु छानने के समान विवेक से वाणी को छानो। सक्तमेव तितुना, सक्तम सत्तु, सत्तु गुजरात में नहीं बनता है, उत्तर प्रदेश में बनता है, बिहार में अभी भी खूब बनता है सत्तु। बिहार वाले भक्त आते हैं जब इलाहाबाद तो मेरे लिए सत्तू जरूर लाते हैं। सत्तू एक भुना हुआ आटा समझो। वैदिक ऋषि सत्तू खूब खाते थे सोमरस में शाम करके। सत्तमेव तितौना, तितौना नाम चालना, तितौ नाम चलनी। सत्तू जैसे चलनी से चाला जाता है वैसे विवेक से वाणी को चालो। ये वेद के ऋषि कहते हैं। कबीर जो कहते हैं आपकी भाषा में, साधु वैसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। धान कूट करके सूप में रख के फटक दिए, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे विवेकी बनो। गुरु आदरणीय, परंपरा आदरणीय, ऋषिमुनि आदरणीय, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन विवेक का अनादर करके नहीं। हम पूरी परंपरा को मान नहीं सकते हैं और परंपरा छोड़ करके जी नहीं सकते हैं। जब एक पंडित ने संचालन किया मेरा प्रवचन, मेरे विचार को जानते हैं, तो उन्होंने कहा अब साहेब के परंपरा विरोधी विचार को सुनिए। तो मैंने कहा भाई मैं परंपरा विरोधी नहीं हूं, लेकिन परंपरा समर्थक भी नहीं हूं। दूसरे लोग भी परंपरा समर्थक सर्वथा कहां। ऋग्वेद के 1/4 में इंद्र की महिमा है
और गोस्वामी जी ने इंद्र को पूरे मानस में गाली दी है। परंपरा कहां मानते हैं? गोस्वामी जी ने एक ही जगह मानस में इंद्र की महिमा की है, जब वो हजार नेत्रों से राम सीता का विवाह देख रहा था, तब कहा ये बड़ा भाग्यशाली है। बाकी सब जगह गाली इंद्र के लिए। और जो हजार नेत्रों की कल्पना है वो भी बहुत दूषित है पुराणों की। वेद में आता है इंद्र के हजार नेत्र हैं, हजार नेत्रों से वो देखता है। इंद्र सूर्य है, उसकी किरणें उसके नेत्र हैं, वो सारे संसार को आलोकित करता है। पुराणकारों ने क्या कर डाला, इंद्र अहिल्या से भ्रष्ट हो गए, तो उसका पिता पति गौतम ने श्राप दे दिया, तेरे शरीर में हजार भाग हो जाए। तो फिर वो बहुत गिड़गिड़ाया तो आंख कर दिया गया। इंद्र की सूर्य की किरणें उसकी आंखें वही इंद्र है, कितना उत्तम वर्णन है। और इंद्र को भ्रष्ट बना डाला गया, विष्णु को भ्रष्ट बना डाला गया, विष्णु 52 बन गए और बलि को छल करके उन्होंने जमीन ले ली। ऋग्वेद में 24 बार इसकी चर्चा है, 12 बार खुलासा है, 12 बार संकेत में है। मैंने वेद क्या कहते हैं सब में दिया है, 121 संदर्भों में मैंने लिखा है वेद क्या कहते हैं। इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा नित्य पदम समूढ़ मत्स्य पांसुरे, 24 जगह ऋग्वेद में जो इसका संकेत है उसमें ये मंत्र बहुत संपूर्ण है। इदम विष्णु विचक्र में, यहां विष्णु चले, त्रेधा तीन प्रकार से निधधे रखे पदम पैर, समूढ़ मत्स्य पांसुरे पांच धूल उनके पैर की धूल से समूढ़ सारा संसार ठग जैसा गया। सूर्य इंद्र विष्णु है और वह उसकी किरणें उसके पैर हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष और दुलोक में पड़ना 3 कदम उसका पड़ना है, और उसकी ज्योति ही उसकी धूल है जिससे सारा संसार आलोकित हो जाता है। यह अर्थ भारत के समस्त वैदिक विद्वान और विदेश के समस्त वैदिक विद्वान एक स्वर से मानते हैं। और ईसा के 800 वर्ष पूर्व हुई निरुक्तकार यास्क मुनि ने यही अर्थ माना है और अपने पूर्वज निरुक्तकारों का भी उदाहरण दिया है। शतपथ ब्राह्मण में पहले स्खलन हुआ और विष्णु को थोड़ा छलिया बनाया गया, फिर आगे पुराणों में और फिर 52 पुराण 10,000 श्लोकों का बना डाला गया, फिर विष्णु को महाछलिया बना डाला गया। वेद में जहां मैंने विष्णु के 3 कदम रखा है ये संदर्भ लिखा है वहां पूरी हिस्ट्री दी है वेद से लेकर के पुराणों तक। मैंने पहले कहा था कि वेद में सारे देवता नैतिकता से पूर्ण है, लेकिन आगे चल करके नैतिकताहीन देवता बना डाले गए, इसलिए हमें विचारक होने की जरूरत है। परंपरा लेके बिल्कुल चलना मुश्किल है और परंपरा छोड़ के चलना भी मुश्किल है। अगर हम परंपरा छोड़ दें तो बोल नहीं पाएंगे, अपने पूर्वजों से भाषा सीख करके बोल रहे हैं, हम कहें नहीं हम भाषा बनाएंगे और लिपि बनाएंगे इसे मर जाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूर्वजों ने जो हमें धन दिया है उसका स्वागत करना चाहिए और उसमें कहीं त्रुटियां हैं तो शोध देना चाहिए। हमारे पिता ने धान की निदाई की, घास उसमें निकाला, मैं गया देखा तो कहीं कहीं घास है। अगर मैं कहता हूँ पिताजी बड़े मूर्ख हैं इसमें घास छोड़ दिए तो हमारा महाज्ञान और उद्दंडता है। अगर हम कहें पिताजी सर्वज्ञ ये घास नहीं धान ही है हम इसको धान मानेंगे तो महामूर्खता है। घास को निकाल दें और पिता ने बहुत घास निकाली है उनका हम गणानुवाद गाँव और जो है उसको हम निकाल दें, तो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे तक पहुंचाया है बहुत बड़ा धन है, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। कबीर ने यही किया है, मत डाला है एकदम अद्भुत है। कहा जाता कबीर पढ़े नहीं थे, लेकिन कबीर वाणी का अर्थ आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक वेद शास्त्र उपनिषद दोनों महाकाव्य पुराण न जानते हो। नासदी सूक्त ऋग्वेद में आता है, नासदा सींसदा सीत दानीम से शुरू होता है इसलिए इसको नासदी सूक्त कहते हैं। ना असत आसीत
उस समय असत नहीं था, सत नहीं था इत्यादि। कबीर साहब ने बीजक के प्रथम प्रकरण के सातवीं रमैनी में इसकी समीक्षा की। तैया होते पौन नहीं पानी, तैया सृष्टि कौन उत्पानी, जब पौन पानी नहीं थे तो सृष्टि कैसे हो गई, शून्य से कैसे हो जाएगा। इसलिए सब कुछ था, दुनिया में कुछ नया बनता नहीं है और कुछ मिटता नहीं, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कबीर का थे। तैतरीय उपनिषद में आया है कि मोदा दक्षिणा पक्षा, प्रमोदा उत्तरा पक्षा, आनंद आत्मा ब्रह्म पुक्षम प्रतिष्ठा। मोद दहिना पंख है, प्रमोद बायां पंख है, आनंद धड़ है, ब्रह्म पूंछ है। कबीर साहब कहते सिर सिंगी किछोर नहीं बाकी, पूंछ कहाँ वे पावे, उसमें न सिर है न सिंह, पूंछ कहाँ से आ जाएगी। ये ब्रह्म का वर्णन बिल्कुल गलत है, वो तो साफ कहने वाले थे। सर राधा कृष्ण ने भी इंडियन फिलासफी में जहाँ उपनिषद का चिंतन किया है, इसकी आलोचना की है कि ब्रह्म को पूछ कहना बिल्कुल गलत है। समीक्षा कोई कैसे कर सकता है जब तक वो पढ़े न हो। या तो ये माना जाए कबीर प्रगल्भ तो थे और इतना वो संस्कृत जान गए हों जिससे कि शास्त्रों का मर्म समझ लेते हो, और कुछ इसमें कोई विस्मय की बात नहीं। अथवा ये माना जाए कि पंडित उनके लोग पास हों, पढ़ पढ़ के सुनाते हो और शायद मनन करते हो। पहले तो श्रुत ज्ञान ही से तो सबका ज्ञान होता था। बहुश्रुत, बहुश्रुत नाम बहुत ज्ञानी, बहुत सुना हुआ। आज भी हम बहुपठित नहीं कहते, बहुश्रुत कहते हैं। अब आज पढ़ने की युग आ गया, बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है, लेकिन अभी भी ज्ञान के लिए कहा जाता है भाई वो बहुश्रुत है, बहुत सुना हुआ। तो कबीर की बात ऐसी है, कबीर की व्याख्या जब मैं बीजक की कर रहा था, कई बार आश्चर्यचकित होकर के कलम रख देता था। जो झुग्गी झोपड़ी में पाला गया, लोग कहते हैं हम ब्राह्मण घर में जन्मे होते तो साहस होता कहने का, यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो साहस होता, धनी होते तो साहस होता। कबीर कहाँ पैदा हुई पता नहीं, पाले गए झोपड़ी में, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई कुछ पता नहीं, और जो कुछ कहना चाहते थे उसका कोई अनुगामी नहीं, समस्त अनुगामियों से भिन्न। और वो गरजता रहा महापुरुष जीवन भर, हीन भावना की कोई बातें नहीं। पंडितों से काशी में कहता है और कि छिए ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा, और के छूने से तुम पानी छिड़कते हो, म पवित्र अपवित्रवा करते हो, तुमसे कौन नीचे। ये डांट के कहना, डॉक्टर शरद द्विवेदी ने लिखा है कि कबीर पंडित को जब फटकारते हैं तो पंडित को अदना समझते हैं। अदना नाम बहुत छोटा। तो वैसे कबीर ने पंडितों को बड़ा आदर किया है, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हो सो ले बिचारा, पंडित सो बोली हितकारी, बारंबार पंडितों का आदर किया है। लेकिन पंडित के नाम पर प्रपंच करना, तो पंडित क्या हो, साधु को फटकारते, गुरु को फटकारते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े में गुरु को श्रेष्ठ कहते हैं, लेकिन एक कल गुरु बड़े परपंची जाट डाट ठगोरी सब जग मारा, ये कलयुगी गुरु बड़े परपंची, ये जंजाल में फंसा करके सबको मार रहे हैं। तो किसी को क्षमा नहीं करते हैं। सत्य में जीते थे, सत्य कहते थे, और उनका अपार साहस था। दिन जितना बीत रहा है कबीर के निकट लोग आ रहे हैं, हिंदू मुसलमान परस्पर में विरोधी मानते हैं, भूल है उनकी। दुनिया में एक ही इतिहास में एक ही पुरुष है कबीर, जो हिंदू मुसलमान के गुरुओं को फटकारा जीवन भर, मर जाने के बाद पंडित कहते थे हम जलाएंगे, मुल्ला कहते थे हम गाड़ेंगे, और इसके लिए लड़ गए। तो कबीर की जो क्रांति है बड़ी अद्भुत है। एक पंडित ने लिखा है कि कबीर उस युग में सफल थे, हम आज क्यों नहीं सफल हैं। कबीर उस जमाने में भी, उस अंधे युग में भी चौराहे पर खड़ा होकर के फटकार करके सत्य कहते थे, और हम लोग इस समय कमरे में बैठकर कोई मीटिंग हो तो सत्य नहीं कह पाते, लगता है कि हमारा स्वार्थ कहीं छिन जाएगा। और कबीर साहब ने जो कहा है, अपन घर फूंक दे आवे हमारे साथ, अपन घर फूंकना क्या है, जिस घर में हम रहते उसको फूंकना थोड़े है, अहंकार स्वार्थ फूकना, तब सत्य के साथ आप चल सकते हैं। कबीर के गुरु कौन थे, अनेक अटकलें हैं। स्वामी रामानंद ज्यादा प्रसिद्ध हैं। स्वामी रामानंद
मैंने भी कई जगह लिखा है कि हो सकता है स्वामी रामानंद उनके गुरु रहे, मर्यादा के गुरु, बोध के गुरु तो नहीं लगते, क्योंकि बोध में बहुत फर्क है। और एक ही पंक्ति कबीर साहब ने बीजक में कहा है रामानंद का नाम लेकर के, रामानंद राम रस माते कहे कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद राम रस में माते रहे, मैं कहा कि थक गया लेकिन वो समझे नहीं। इससे निकटता और दूरी दोनों प्रतिबिंबित होती है। कोई निकट को कह कह थाके का प्रयोग कर सकता है, काका के थक गए लेकिन पिताजी ने शराब नहीं छोड़ा, काका के थक गया लेकिन ये लड़का अपनी मटर गश्ती नहीं छोड़ रहा है। तो बड़े को छोटे को दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो निकट का हो दूर वाले के नहीं। तो इसलिए रामानंद और कबीर की निकटता लगती है। लेकिन कह कह थाके इसका मतलब है कि विचार मिलते नहीं थे, क्योंकि जो रामानंद मानते थे दशरथ सुत को परमात्मा, इसीलिए साहब ने कहा दशरथ सुत त्यो लोक ही जाना, राम नाम का मर्म है आना। दशरथ सुत को तो लोग मानते हैं जरूर, लेकिन राम नाम का मर्म कुछ और है। संस्कृत के पंडितों ने भी कहा जब व्यक्ति उपासना चलती है तो विचारक पसंद नहीं करते, इसलिए सब पंडित गलत होते ऐसी बात नहीं। संस्कृत के पंडितों ने भी कहा रमन्ते योगिनो जो स्मृत राम है, योगी जन जिसके विषय में रमण करते वो राम है। व्यक्ति चरम उपासनी नहीं हो सकता है, आत्मा ही चरम उपासनी हो सकता है। कोई गुरु है, संत है, महापुरुष है, उपासनी है, उसका हम ध्यान करें तो प्रपंच में मन नहीं जाएगा, लेकिन उसका शरीर भी तो हाड़ मांस का है, भौतिक है। स्थित कहाँ होगी हमारी, स्थित आत्मा में होगी, इसलिए आत्मा ही उपासनी है। गुरु उपासनी एक सीमा तक है। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव या कोई भी महापुरुष उपासनी है, थोड़ी दूर तक है। अंतिम उपासनी आत्मा है। तो कबीर साहब आत्म उपासक थे, इसलिए कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वर्मा है, उन्होंने हरि कहा रघुराई तक कहा। वैष्णव लोग कबीर साहब के साथ लगे रहते थे, वैष्णव के बड़े पक्षधर थे कबीर साहब। तो किसी वैष्णव ने कहा महाराज रघुनाथ कब मिलेंगे, तो उन्होंने नहीं कहा नहीं मिलेंगे, उन्होंने कहा सहज समाधि उन्मुन जागे सहज मिले रघुराई। जब सहज समाधि लग जाएगी, उन्मुन जग जाएगी, तो रघुनाथ मानो सहज मिल गया। सहज समाधि का अर्थ है अपने आप में स्थित होना, एक सहज है एक असहज है। जैसे पाउडर लगा ली कोई चेहरे में तो असहज सौंदर्य है, और स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन ले तो ये सहज सौंदर्य है। जब आप किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं तो ये असहज ध्यान है। ज्योति का, नाद का, बिंदु का, शब्द का ध्यान करते हैं, असहज ध्यान है। लेकिन जब सारे विचारों को छोड़ देते हैं और सारी वृत्तियां शांत हो गई तब ये सहज ध्यान है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरुद्ध हो जाना, वृत्ति मात्र का शांत हो जाना। जैसे पानी और पानी की तरंगे, वैसे चित्त और चित्त की वृत्तियां। वृत्ति का मतलब लपेट, घेरा। याद आई, बैल की याद आ गई तो बैल का आकार आ गया और बैल का नाम आ गया। नाम और रूप स्मृत में आते हैं और वो एक वृत्ति बनती है। इतने में गोबर की याद आ गई तो गोबर एक नाम आ गया और उसका आकार आ गया, ये चित्त में दोनों आ गए। इतने में सड़क या और जो कुछ भी, तो एक एक वृत्त चित्त में बनती जाती है। जब सारी वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब ये असली योग है। तो इसमें कुछ देखा नहीं जाता है, देखना बंद किया जाता है। चश्म बंदो, गोश बंदो, लभ्य बंद, गर्नवीनी सर्रेह बर्मन बखन। रूमी साहब ने कहा ईरान के महान संत, चश्म बंदो आंखें बंद कर लो, गोश बंदो कानों को बंद कर लो, लभ्य बंद ओठों को बंद कर लो। गर्नवीनी सर्रेह बर्मन बखन, इतना पर भी सत्य का दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। इंद्रियों को समेट लो, मन को समेट लो। नारद को उपदेश करते हुए सनत कुमार ने छांदोग उपनिषद में कहा, नारद सनत कुमार के पास गए, कहे भगवान मुझे उपदेश कीजिए। सनत कुमार ने कहा पहले बताओ तुम पढ़े कितना हो। कहे महाराज मत पूछिए, चारों वेद कंठ है, वेदों का वेद व्याकरण कंठ है।
और पांचवा वेद इतिहास पुराण कंठ है। गणित विद्या, धनुर्विद्या, यक्ष विद्या, शिल्प विद्या, संगीत विद्या, सारी विद्याएं कंठ हैं। लेकिन महाराज मैं शोक करता हूं। आत्मज्ञानी पुरुष शोक से तरता है, मैंने सुना है, मुझे उसका बोध दीजिए। तब सनत कुमार ने कहा, नारद तुम नाम की उपासना करते हो, ये चारों वेद नाम हैं, संज्ञाएं हैं, ठीक है इसको रट लोगे तो उसका ज्ञान हो जाएगा। तो क्या भगवान नाम से कुछ बड़ा होता है? नाम से बड़ा वाक होता है। फिर बड़ी लंबी श्रृंखला गई है, फिर भूमा आत्मा की विषय में आया है, और फिर भूमा की स्थिति क्या बताई गई, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद बिजानात स भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना सुनना जानना बंद करो। नचिकेता को समझाते हुए यमाचार्य ने कठोपनिषद में कहा, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाव परमाम गतिम। जब पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और बुद्धि शांत हो जाए, ये परम गति है। कुछ पाना परम गति नहीं है। ईश्वर दर्शन कराते घूमते आजकल बहुत गुरु, और खूब फंसाते हैं। एक ने एक से कहा, आप गुरु की कहाँ किया? कि गुरु ने ईश्वर दर्शन कराया, कहीं नहीं कराया। कि हमारे गुरु के पास आ जाओ, तुरंत दर्शन करा देंगे। एक गुरु ईश्वर के दर्शन कराने के ठेकेदार बने घूमते हैं। ईश्वर का दर्शन महाभ्रम, दर्शन होता वो दृश्य होता है, वो तो दृष्टा है, साक्षी है, शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा है, साक्षात्कार होता है। तो परमात्मा के दर्शन, मोक्ष की प्राप्ति, ये भाषा है, पाना कुछ नहीं। जो कुछ आज तक पाए हैं उसका अहंता ममता, उसकी अहंता ममता छोड़ देना है। सारे अहंता ममता छूट जाने के बाद जो शेष रह जाता है वही शिव तत्व है। प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सात्मा सविज्ञया। जब प्रपंच का उपशमन हो गया तो शांति अवस्था आई, यही शिवत्व है, यही अद्वैत अवस्था है। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ करके जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, और सारे अहंकार को छोड़ करके निर्माणी हो जाए, उसका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता है। इसलिए अहंकार का विसर्जन करना है। तो कबीर साहब आत्मपासक थे, स्वामी रामानंद दशरथ पुत्र श्री राम की उपासक थे, इसलिए विचार बैठता नहीं था, किंतु मर्यादा के गुरु थे। कबीर गृहस्थ थे कि विरक्त, मैंने पहले कहा, यूनिवर्सिटी के विद्वानों ने लिख करके इसका बहुत प्रचार कर डाला, लोई एक स्त्री बना डाली। कहें कबीर सुनो नर लोई, नर लोगों है, गोरखनाथ ने भी लोई कहा है लोगों के लिए। मैंने कबीर जीवनी में सब लिखा है, काशी के एक विद्वान ने तो लिखा है, योगेश्वर ने, कि लोई नाम की स्त्री कुछ नहीं थी, ये कबीर पर थोपा गया। मैंने एक लंबा पत्र लिखा जब डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, रजिस्ट्री पत्र भेजा, कोई उत्तर नहीं आया। एक महीने के बाद जब मेरे साधु गए मिले तो कहे, मुझे तो पत्र नहीं मिला, रजिस्ट्री पत्र उनको मिले गए, मुझे मिले कैसे नहीं मिला, लेकिन कुछ उत्तर नहीं था। तो उसी को कबीर जी ने मैंने छापा, नाम उनका नहीं दिया। तो उन्होंने तो धनिया रमजनिया का और बकवास कर डाला है। कबीर की दो स्त्रियां थी, धनिया और रमजनिया। किसी महापुरुष के जीवन को कसने के लिए बाह्य साक्ष और आंतर साक्ष होते हैं। बाह्य साक्ष उनकी परंपरा होती है, आंतर साक्ष उनकी वाणी होती है। आंतर साक्ष उनकी वाणी बीजक है, बीजक के बाहर की वाणी भी उनको विरक्त सिद्ध करती है, और बाह्य साक्ष उनकी परंपरा है। कबीर पंथ भारत और विदेश में फैला है। कबीर पंथ की कोई शाखा नहीं मानती है कि कबीर गृहस्थ थे। कबीर जहां बैठ करके उपदेश किए काशी में, वो आजकल कबीर चौरा मठ कहलाता है। पहले तो झुग्गी झोपड़ी थी, मैदान था, अब तो विशाल नगर है वहां, कबीर चौरा मठ। शायद 23वीं पीढ़ी इस समय है, और वो पूरी परंपरा विरक्त मानती है कबीर साहब को, पूरा कबीर पंथ विरक्त मानता है। कबीर गृहस्थ रहे हों
तो कबीर जैसे पुरुष गृहस्थ विरक्त कुछ भी हो वह वंदनीय है, राम गृहस्थ है वंदनीय है, कृष्ण गृहस्थ है वंदनीय है। अगर कबीर गृहस्थ हो तो कोई हर्ज नहीं, परंतु तथ्य जो है वो कहना चाहिए, विद्वानों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, इस पर बहुत समय लगाने की आवश्यकता नहीं। उनका जो निर्देश है समाज के लिए, सामाजिक दृष्टि से यह निर्देश है जो आप जानते हैं, केवल दोहराना है कि मानो मानो से मिले तो जाति न पूछे, वर्ण न पूछे, मानो को मानो की दृष्टि से देखा जाए। हमारे देश में बहुत दोष है। एक यूनिवर्सिटी में जब एक लड़का अपना नाम लिखाने गया तो अध्यापक ने कहा कि सरनेम क्या है, कहे मैं सरनेम नहीं रखता, कहे नहीं सरनेम बताओ तब तुम्हारा मूल्यांकन मैं करूंगा। अब विश्वविद्यालय कोई गढ़रिये का बाड़ा है, ये विद्वानों का गढ़ है। अगर विश्वविद्यालय के लोग इस चीज को नहीं समझते हैं तो गांव के लोग कैसे समझेंगे। हम तो कहते हैं कि पूंछ सबको काट देना चाहिए, सब अपने पूंछ लगाए बैठे हैं, नाम के पीछे पूंछ, सब पूंछ काट दो केवल नाम रखो। जाति का अर्थ होता है पैदा होना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, जात पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है, बकरी से सूअर से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियां अलग है, बैल से और भैंस से बच्चे नहीं होते इसलिए जातियां अलग है। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में दो जाति नहीं, मानव एक जाति। जहां तक काला गोरख प्रश्न है वो जलवायु प्रभाव है, यूरोपाक मंगोलाक निग्रोसम ये तीन महाप्रजातियां मानी जाती हैं। लेकिन इन महाप्रजातियों में परसादी होने से बच्चे होते हैं, इसलिए हम जाति न पूछें, मनुष्य व्यवहार करें। विवाह करना है अगर आप अंतरजाति शादी नहीं मानते हैं तो गोत्र पूछ लें, और अंतरजाति शादी मानते हैं तो गोत्र पूछने की जरूरत नहीं। अंतरजाति शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ये आप लोगों का विषय है, मैं उस पर कुछ नहीं कहता हूँ। एक लड़के ने मुझसे पत्र दे के पूछा था ये आप अंतरजाति शादी मानते हैं कि नहीं, तो मैंने कहा मैं शादी ही नहीं मानता इसलिए शादी मानने वाले जा रहे मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। तो अंतरजाति शादी में बहुत झंझट है। अभी एक पुलिस अफसर, बड़ा अफसर है, इलाहाबाद के पास रहता है एक ऑफिस में, तो मुझसे मिलने आता है, बहुत वीर है, जैसे आता तैसे कहता मैं नास्तिक हूँ, तो मेरे विचारों से खूब मग्न है, मेरी पुस्तकें कैसेट खूब पढ़ता और सुनता है। तो बताया कि साहब एक ब्राह्मण की लड़की एक शेड्यूल कास्ट के लड़के से प्रेम हो गया, शादी करना चाहा, वो लड़का आई एस अफसर था, तो अपने पिता से कहा, पिता ने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, अपनी जात में शादी करना है, और शादी करोगे तो मैं निकाल दूंगा, तो शादी कर लिया लेकिन निकाल दिया गया। अंत में क्या हुआ कि जब वो ससुराल जाए तो ससुराल वाले फोन कर दें कि भाई दामाद दो दिन रहेंगे, तो कोई नहीं आवे क्योंकि दामाद शेड्यूल कास्ट का। धीरे धीरे इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। तो ये अंतरजाति शादी भी जब भावना बिल्कुल दूर हो जाए तो ठीक है, और भावना दूर नहीं तो क्लेश क्लेश। उसने तीन उदाहरण दिया, वो सब कह करके समय बर्बाद करना नहीं। अगर आप शादी के समय जात पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, बाकी समय पूछने की क्या जरूरत है। आचार विचार देख करके आप भोजन लीजिए, व्यवहार लीजिए, आचार विचार ठीक ना हो ना लीजिए। ब्राह्मण लोग भी दूसरे ब्राह्मण से नहीं पूछ सकते कि मांसाहारी हो कि शाकाहारी हो, चाहे मांस खाता हो अपनी थाली में देना पड़ेगा, कोई नहीं पूछ सकता है। तब दूसरे से आप क्यों पूछते हैं, इसलिए छुआछूत की भावना से ऊपर उठने की जरूरत है। जन्म से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वर्ण काल्पनिक है। वर्ण व्यवस्था का प्रथम संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा संस्करण है योग्यता के अनुसार वर्ण मानना, तीसरा संस्करण है जन्म से मान लेना। ये तीसरे संस्करण के बाद वर्ण व्यवस्था खराब हो गई। वर्ण व्यवस्था जब हुई तब कर्म करने वाले को, मोटा कर्म करने वाले को नीच मान लिया गया, अछूत मान लिया गया। वर्ण व्यवस्था जब नहीं थी तब अछूत नहीं माना गया था। वेद के सारे ऋषि कर्म कर हैं, गाय चराते हैं, सारा काम करते हैं, और कर्म करों के विषय में एक मंत्र तो स्वर्ण स्तंभ की तरह वेद में खड़ा है।
कारुरहम ततो भिषक उपल प्रक्षणी नना नाना धियो वसुयव अनुगायु तस्तिम इंद्राय इंदो परिश्रवा। ऋष कहता है कारुरहम कारुह अहम, मैं कारु शिल्पी हूँ, बढ़ई हूँ, कारु अहम। ततो भिषक मेरा तात पिता वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, उपल प्रक्षणी है भड़भूज है, उपल नाम पत्थर, उपल नाम बालू, बालू से अन्न भूज भूजने वाली मेरी माँ भड़भूज है। नाना धियो वसूय, बस धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे करते हैं? अनुगायु तस्थिम, जैसे गायें चरागाह में चारा खोजती हैं। इंद्रा इंदो परिश्रवा है, अइंदु इंद्र के लिए बहो, असोमरस इंद्र के लिए बहो। इस सूक्त में जितने मंत्र हैं सब में अंत में कहा गया इंद्रा इंदो परिश्रवा। तो ऋष खुल करके कहता है, ऋष वेद का मंत्र, वेद के मंत्र का रचयिता है, और कहता है मैं एक शिल्पी हूँ, मेरी माँ भड़भूज है, मेरा पिता वैद्य, लेकिन पीछे कर्म करों के सारे कर्म फलों का उपभोग किया गया और उन्हें अछूत कहा गया। किसानों से अन्न पैदा करवा लिया गया, उनके पैर से रगड़ा हुआ अन्न खाया गया, लेकिन जब वे डेवढ़ी में आए तो कहे दूर रहो, अंदर मत जाओ, अछूत हो। जुलाहे से कपड़ा बनवा लिया गया, पहन लिया गया, लेकिन जुलाहे को अछूत। नाई से बल बनवा लिया गया, फिर नाई अछूत। धोबी से कपड़ा धुलवा लिया गया, फिर धोबी अछूत। जितने कर्म कराए हैं सबके कर्म फलों का जम करके उपभोग हमने किया और उनको अछूत बनाया, ये भयंकर षड्यंत्र। और इसी षड्यंत्र का मतलब है हिंदू समाज की सड़न, जहां 10 लोग हैं और 4 लोग से प्रेम हो, 8 लोग 6 से न हो, वो घर बिगड़ेगा। तो जाति और वर्ण की भावना छोड़कर मनुष्यता से प्रेम, एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुद्र गुदा, एक बुंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरिहोई, कहीं कभी राम रम रही है हिंदू तुर्क न कोई। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं, सबके शरीर में वही चीजें हैं और सबके अंदर में ब्रह्म बैठा है। पर क्या है? जो चाम की जूती बनाए चमार है और जीवन भर चाम ओढ़े रहे वो कौन है? जो टट्टी साफ कर दे वो भंगी है और पेट में टट्टी भरे रहे वो कौन है? किसके मुख में 32 दांत है जो कहे मैं चमार और भंगी नहीं? चाम ओढ़े हो, टट्टी पेट में है। इतना न समझ पाना क्या पंडित? इसलिए साहब ने कहा पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भयानक हो, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। संप्रदाय की बात वैसे ही उन्होंने फटकारा, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बोराया, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक ते गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद कितेब पढ़ाए वे कुतबा वे मुलना वे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। कहें कबीर वे दोनों भूले रामे किनो न पाया, वे खसी वे गाय कटावे बादे जन्म गवाया। ये दो परमात्मा कहाँ से आ गए? अल्लाह राम करीम केशो, सोना एक है गहने अनेक हैं, तब तो एक है नाम अनेक है, झगड़ने की जरूरत नहीं। ये हिंदू मुसलमान दोनों भूले हैं, न राम पाते हैं न अल्लाह पाते हैं, क्योंकि हिंदू लोग देवताओं के नाम पर पुष्प काटते हैं और मुसलमान लोग ईश्वर के नाम पर पुष्प काटते हैं, ये दोनों नहीं समझ पाते हैं। एक बात पर ध्यान दीजिए, दुनिया के जो पुराने मत हैं ईश्वरवादी मत, वो ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव हत्या कर देते, और जो ईश्वरवादी नहीं वो नहीं कर देते। बौद्ध जैन ईश्वरवादी नहीं है, वे धर्म के नाम पर कोई हत्या नहीं करते। और सामी और आर्ज परंपरा में, ब्राह्मण परंपरा, आर्ज परंपरा में ब्राह्मण श्रमण सिद्धनाथ संत शाखाएं, ब्राह्मण परंपरा वैदिक परंपरा है। ब्रह्म कहते हैं अग्नि को, ब्रह्म कहते हैं वेद के मंत्र को, वेद के मंत्रों से अग्नि में हवन करने वाला ब्राह्मण। तो ब्राह्मण परंपरा, श्रवण परंपरा, बौद्ध जैन इत्यादि विरक्त परंपरा, सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध हुए, नाथ परंपरा गोरखनाथ इत्यादि, संत परंपरा कबीर नानक इत्यादि,
ये आर्य परंपरा के अंदर आते हैं। आर्य परंपरा में जो पुराने ईश्वरवादी मत थे वे ईश्वर और देवता के नाम पर ये भी बलि करते थे, और इस्लाम में भी, यहूदियों में भी है, ईसाई में नहीं। संत ईसा ने इसका विरोध किया, उनको धन्यवाद देना चाहिए। देवता और ईश्वर जीव हत्या करने से खुश होते हैं, कितना गलत है। जब कोई त्योहार में जीव वध बहुत होता है तो अखबारों में छपता है त्योहार बड़ी शांति से मनाया गया, लेकिन बकरों को, मुर्गों को, बैलों को, ऊंटों को जबान होती तो अखबार वालों से बताते कि शांति से त्योहार मनाया गया कि हम लोगों का हतन किया गया। तो साहब कहते हैं कि ये ठीक नहीं, ये धर्म नहीं। संप्रदाय बनते और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। हिंदू धर्म कहना गलत है, इस्लाम धर्म कहना गलत है। हिंदू समाज है, इस्लाम संप्रदाय है, ऐसे ईसाई यहूदी जैन बौद्ध सब समझ लो। जो एक व्यक्ति द्वारा चले, एक पुस्तक हो, एक परंपरा हो, वह संप्रदाय है। हिंदू समाज में ऐसा नहीं है, कोई इसकी एक पुस्तक नहीं है। वेद को ईश्वर वचन माने तो हिंदू, न माने तो हिंदू। वेद ईश्वर वचन, वेद तो पुस्तक तो सभी मनुष्य वचन है। अपनी किताबों को सबने कुदरती कहते, आसमान से गिर पड़ती। सबने अपनी किताब को आसमान से गिरना बताते हैं, वो अपने मत को प्रचारित करने के लिए एक झांसा है। सारी किताबें मनुष्य की रचना है, सारे महापुरुष मनुष्य हैं, सारे संप्रदाय मनुष्य द्वारा चलाए गए हैं। इस्लाम 1400 वर्षों से है, अभी 1414 नहीं हुआ है। ईसाई 2000 वर्षों से है, बुद्धत्व 2500 वर्षों से है, जैनत्व इससे पुराना है, लेकिन महावीर स्वामी के बाद ही जैन शास्त्र बने हैं। हिंदू शब्द 2000 वर्षों से, मेरी पुस्तक हिंदू कौट कबीर दर्शन को एक संदर्भ है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, हमारे देश को हिंद देश, यहाँ के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। वेदों में, वैदिक साहित्य में, महाकाव्यों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है, और उसमें बहुत संप्रदाय है। संप्रदाय जो देश काल सापेक्ष हो, और धर्म जो देश काल निरपेक्ष हो। राम ईश्वर है यह मानना एक संप्रदाय है, कृष्ण ईश्वर है यह मानना एक संप्रदाय है, मोहम्मद पैगंबर है यह मानना एक संप्रदाय है, ऐसे और समझ लो। लेकिन स्वयं संयम से रहना, दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना, ये धर्म है, ये संप्रदाय नहीं, और यही व्यापक धर्म है। हम किसी लोक में चले जाएं, वहां मनुष्य पर विकसित हो, वहां भी धर्म होगा, लेकिन इस भूमंडल का कोई संप्रदाय नहीं होगा। राम रहीम वेद शास्त्र कहने वाला कोई नहीं होगा, परंतु इसका मूल्य वहां भी होगा कि स्वयं पर संयम रखना चाहिए और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करना चाहिए। अगर जानदार प्राणी है तो उसे क्या चाहिए, लोग उसके साथ रहमदिली का व्यवहार करें, और रहमदिली का व्यवहार वही कर सकता है जो संयमी हो। जो जितना लंपट होगा उतना अत्याचारी होगा। गांधी जी ने इसीलिए कहा, स्वैच्छिक गरीबी स्वीकारो। आजकल तो गांधी को गाली देने की आदत है लोगों को, लेकिन गाली देने वाले भी अंत में कहते हैं हम गांधी के रास्ते पर हैं, क्योंकि अंदर से जानते गांधी महान थे। गांधी और कांग्रेस पार्टी से कोई मतलब नहीं, भारत को आजाद करने के लिए उन्होंने काम किया, उसी समय कह दिया था कांग्रेस नाम खत्म कर दो। गांधी जैसा पुरुष तो न भूतो न भविष्यति। तो गांधी जी ने कहा कि स्वैच्छिक गरीबी स्वीकारो, जब तक अपने पर कंट्रोल न करोगे दूसरे के साथ शील का बर्ताव न होगा। धर्म इतने ही में है, अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील, बाकी संप्रदाय है। संप्रदाय बुरे नहीं, राम राम कहो, रहीम रहीम कहो, नमाज पढ़ो, पूजा करो, कुछ मन पवित्र होगा, लेकिन पूरा काम नहीं होगा। पूरा काम होगा जब पूर्व आत्मजयी होंगे, पूर्ण रूप से अपने पर विजयी होंगे, आत्मशोधन करेंगे, तब पूरा काम। इसलिए धर्म है संयम और शील। तो तपस्वी तपस्या कर रहे थे, तपस्याएं पूरी हुई, ब्रह्मा जी आए और कहे कि तुम लोगों में से कोई एक वर मांग लो, उसको उतना मिलेगा, साथी को दुगना मिलेगा।
दोनों चुप, क्योंकि हम घाटे में रहेंगे, जो मांगेंगे साथी को दुगना मिल जाएगा। ब्रह्मा जी कहे मैं जा रहा हूँ, मांग रहा हूँ मांग। एक ने कहा महाराज अगर आप खुश हैं तो मेरी एक आँख फूट जाए। तो उसकी एक फूट गई, दूसरे की दोनों फूट गई। वो सोचा अगर मैं एक राज मांगू तो दूसरे को दो राज मिलेगा, ऐसा नहीं जाएगा। और एक आँख मेरी फूट जाएगी तो एक आँख से काम चला लूंगा और साथी दोनों आँख से महरूम हो जाएगा। ये तपस्वियों की लीला है, अपनी एक आँख फुड़वा करके दूसरे की दोनों आँखें फुड़वा देना। तो धर्म का चोगा पहनने से धर्म नहीं होता है, शील और संयम में धर्म है। धर्म को संप्रदाय कहने की भूल पुराकाल है, पुराकाल से। अथर्ववेद में भूम सूक्त है, इस पर भी मैंने उसमें लिखा है, जन्म विप्रति बहुधा विवाच सम नाना धर्म आनम पृथ्वी यथोक्सम सहस्रम धारा द्रण समे दुहाम ध्रुव धेनुर्नपस्फुरंती। अय पृथ्वी माता, तुम जनों को विभ्रति अपने में धारण करती हो, मनुष्यों को अपने में धारण करती हो। कैसे मनुष्यों को? बहुधा विवाच सम, बहुत भाषा बोलने वाले, नाना धर्माणम नाना संप्रदायों में चलने वाले। नाना धर्माणम यहाँ कहा गया है, नाना संप्रदायम चाहिए, नाना धर्माणम नहीं संप्रदायम, नाना संप्रदाय वाले। परंतु यहाँ भी मतलब प्रचलन था संप्रदाय को धर्म कहने का, इसीलिए धर्म निरपेक्ष राज्य आज कहा जाता है। जो दूषित है, धर्म निरपेक्ष राज्य हो तो राज्य बेकार हो जाएगा, धर्म सापेक्ष राज्य होना चाहिए। लेकिन धर्म मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, धर्म है शील और संयम। एक बात याद आई, राजनीति से मैं संबंध बिल्कुल नहीं रखता हूँ, ना राजनीतिक चर्चा करता हूँ, ना अखबार पढ़ता हूँ, ना टीवी देखता हूँ। मुझे अपने शास्त्र और ज्ञान और विवेक और साधना से फुर्सत नहीं है। तो प्रीतम नन प्रीतम छवि नयनन रमी परिचम कहाँ समाएं, तो ये सब राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन उड़ी उड़ी बातें आप लोगों से जो सुन लेता हूँ, उसमें दो खोट हमें आजकल बहुत दिखाई देता है, सवर्ण और अवर्ण को लड़ाना और कुर्सी पर आने की चेष्टा करना, हिंदू गैर हिंदू को लड़ाना और कुर्सी पर आने की चेष्टा करना। ये महा दुखद है, इससे देश दुर्बल होगा। देश के जितने लोग हैं सब भाई बंधु हैं। हमारे वैदिक ऋषि कहते हैं अय पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वाले और नाना संप्रदायों में चलने वाले को तुम अपने में धारण करती हो। हम कौन होते हैं कि दूसरे मत वालों को हम तिरस्कृत करें? पूरे देश को लेकर के चलना होगा। तो कबीर की जो देन है समाज के लिए, मानव मानव से मिले और मानवता की दृष्टि से उसे देखे, संप्रदाय की दृष्टि से एक दूसरे को न देखे, धर्म के तत्व को समझे। संप्रदायों में ये भी कि हमारा संप्रदाय स्वर्ग देगा, दूसरे का संप्रदाय नरक, ये महा धोखा है। कोई संप्रदाय सत्य का ठेकेदार नहीं है। कोई भी संप्रदाय एक जैसे सड़कें हैं, बनती और मिटती हैं, लेकिन जमीन वही रहती है। संप्रदाय बनते मिटते हैं, सत्य वही रहता है। हमें सत्य का अनुसंधान करना चाहिए। कोई संप्रदाय सत्य का एक आधिकारी ठेकेदार नहीं है। जिस संप्रदाय में मनुष्य है उसका पालन करे और दूसरे संप्रदाय का आदर करे, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। अध्यात्म के विषय मैंने पहले कहा कि कबीर कस्तूरी कुंडल वसे मृग डूढ़े बरमाए, वे परमात्मा को सत्य को कल्याण को बाहर नहीं बताते हैं, अंतरात्मा में बताते हैं। उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं। वेद में कर्मकांड है, लेकिन जहां अध्यात्म का विषय है वहां भी यही है। एक मंत्र कह करके मैं समाप्त करूंगा, अष्टाचक्र नव द्वारा देवानाम पूर्योद्य तस्याम हृदय कोश स्वर्गो ज्योति सावरता है। यथर्ववेद का मंत्र है, अष्टाचक्र आठ चक्र, मूलाधार मणिपुर अनाहत विशुद्धि आज्ञा स्वादिष्ठान सार सुरत कमल, ये आठ चक्र गुदास्थान से लेके खोपड़ी तक माना गया है। बीजक की व्याख्या में इसको विवरण पूर्वक मैंने लिखा है, हाई काल्पनिक वो ही बताया। अष्टाचक्रा नौ द्वारा, दो आंख दो नाक दो कान, मुख टट्टी पेशाब की जगह, ये नौ द्वारा। देवानाम पूर्योध्या, देवताओं की अयोध्या पूरी ये शरीर है, देवता इंद्रियां हैं। वैदिक ऋषियों ने आकाश के तारों को देवता माना है और शरीर में इंद्रियों को देवता माना है, इंद्री मन को। अयोध्या शब्द चारों वेदों में यही एक जगह आया है, देवानाम पूर्योध्या।
देवताओं की अयोध्यापुरी, आठ चक्रों वाली, नौ द्वारों वाली ये शरीर है। तस्याम हृदय कोशः, इसमें सोने का खजाना है जो आत्मा है। स्वर्ग ज्योत सावृता, जो स्थित में स्थित हो जाता है वो स्वर्ग से जगमगा उठता है। तो अपने में ही बताया ऋषियों ने, कबीर की वाणी में तो कूट कूट करके ही भरी है। जे खोजत कल्प हो गया घट ही माय सोमूर, बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते परी गई दूर। कबीर चाहे सामाजिक दृष्टि से, चाहे लौकिक दृष्टि से, चाहे धार्मिक दृष्टि से, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से कुछ भी कहते हैं, वहाँ सबको जोड़ते हैं। और वास्तव में तत्व में अनेकता में एकता का अन्वेषण ही सच्चा ज्ञान है। कबीर का जितना अध्ययन मनन किया जाएगा ये बात सामने आएगी और इसमें समाज का मंगल होगा। इसके साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।